अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सीखते जाओ के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का ट्यूटोरियल विंडो 11 के बारे में है। पुरानी जितनी विंडोज़ थी उन पे इंस्टॉल करने के बाद डेस्कटॉप पे सिस्टम आइकन्स यानी माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स और रिसाइकल बिन को सेट करना बहुत आसान था, लेकिन विंडो 11 में ये सेटिंग एक ट्रिकी काम है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि विंडो 11 में माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, माई डॉक्यूमेंट्स और नेटवर्क वाले आइकन्स किस तरह से आप डेस्कटॉप पे इनेबल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, जब विंडो 11 इंस्टॉल हो जाती है तो डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकन्स बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते। ना यहाँ पे माई कंप्यूटर का आइकन है, ना रिसाइकल बिन है और ना ही माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर नज़र आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर राइट क्लिक करें और पर्सनलाइज पर क्लिक करें। अब सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी डिस्प्ले से रिलेटेड, और आप देख सकते हैं कि अगर आप सेटिंग में जाके आइकन से रिलेटेड सेटिंग्स को सर्च करेंगे तो आपको डेस्कटॉप आइकन्स के हवाले से कोई डायरेक्ट सेटिंग नहीं मिलेगी। अब करना ये है कि आप जब एक दफ़ा पर्सनलाइज करने के बाद सेटिंग्स में आ गए हैं तो आपने पर्सनलाइजेशन विंडो में थीम्स पे क्लिक करना है। थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको रिलेटेड सेटिंग्स के टैब में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का एक लिंक नज़र आएगा। इस पर क्लिक करते ही यही विंडो ओपन हो जाएगी जो पहले वाली विंडोज़ में हमें नज़र आती थी, और यहाँ से आप अपनी मर्जी के सिस्टम आइकन्स को सिलेक्ट करें, अप्लाई, ओके करें और अब आप डेस्कटॉप पे जाके देखें तो ये सारे आइकन्स आ चुके हैं। अब राइट क्लिक करें और सॉर्ट में जाके सॉर्ट बाय आइटम टाइप कर दें तो ये आइकन्स हमेशा टॉप पे रहेंगे जैसे कि पहले विंडोज़ में होते थे। उम्मीद आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और हेल्पफुल भी होगी। मज़ीद ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स के लिए देखते रहें, सीखते जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।